The term independent of x in this root under x by 3 plus root under x 3 by 2x square ka whole power mein 10, इसमें independent of term, independent of x वाला term कौन सा होगा और क्या होगा बताना है, ठीक है? देखो इसका हम general term का formula लिखते हैं, general term मतलब t of r plus 1, ये होगा 10 c r और root under x by 3 का पावर में 10 माइनस आर और रूट अंडर 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर का होल पावर में आर, ठीक है? अब देखो 10 सी आर, अब ये रूट मतलब 1 बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई 3 के पावर में 10 माइनस आर बाई 2 और ये होगा 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर का पावर में आर बाई 2 होगा इतना। तो अब देखो 10 सी आर रहने दिए। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 3 है, तो 3 नीचे में है ना, और यहाँ पे 3 ऊपर में है। जब 3 ऊपर में, यहाँ पे r बाई 2 है, यहाँ नीचे में है 10 माइनस r बाई 2, तो ये नीचे और 3 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होता है ना, तो पावर में कितना होगा 3 के पावर में, 3 के पावर में होगा पहले से r बाई 2 है और माइनस, ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस r बाई 2 इतना होगा, और नीचे में 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर में हो जाएगा r बाई 2, ठीक है? और x का पावर देखो फाइंड करो, x का पावर, तो जो x का पावर होगा वो यहाँ पे 10 माइनस r बाई 2, तो 10 माइनस r बाई 2 और यहाँ नीचे में x का पावर है कितना, r बाई 2 इंटू 2 आर, ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस r हो जाएगा इतना, ठीक है यहाँ तक? इसके बाद देखो तो ये जो x वाला टर्म है उसका x का पावर कितना आ रहा है ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 3 के पावर में आ गया, 3 के पावर r बाई 2 प्लस r प्लस r बाई 2, तो ये होगा r, r माइनस 10 बाई 2 5, r माइनस 5, 3 के पावर r माइनस 5 हो गया और यहाँ पे 2 के पावर में r बाई 2 हो गया और x के पावर में कितना हो गया, x के पावर में 10 माइनस r माइनस 2r, तो ये होगा 10 माइनस 3r बाई 2, तो 10 माइनस 3r बाई 2 हो गया x का पावर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए x का पावर जीरो होना चाहिए ना, इसीलिए x का पावर जो है उसको जीरो करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 माइनस 3r बाई 2 जो है उसको जीरो करते हैं, तो उसको जीरो करते हैं तो 10 इक्वल टू 3r, तो r का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई 3, ठीक है? अब ये जो r का वैल्यू 10 बाई 3 है ये तो इंटीजर नहीं है, है ना, ये इंटीजर नहीं है, मतलब विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जब इंटीजर नहीं है तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि r का जो वैल्यू होता है जनरल टर्म में वो इंटीजर होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए, तो ये 10 बाई 3 इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी टर्म नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो क्या लिखेंगे, नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इसमें, ओके?